मैं बहुत देर के बाद भाई एक डेमरी मारा है, कम से कम जो है ना तकरीबन 1.5-2 किलो का दाना होगा ना। फिशिंग विद सलीम के तमाम व्यूअर्स इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसकी वजह कि फिशिंग करने वाली तमाम वीडियो बीच में और आखिर में है, तो मुलायजा फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज फिशिंग के लिए जो है ना रियाज भाई तैयार हो गए और बाइक में बैठे, चश्मा वश्मा लगा लिया माशाल्लाह, और साथ साथ फुरकान भाई भी माशाल्लाह तैयार है। दूसरे साथी नाश्ता कर रहे और निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से सीधा नादरन बाईपास और वहाँ से सीधा इंशाल्लाह सुनहरी। दोस्तों व्यूअर्स आज जो है 29 तारीख है, 11वां महीना 2022 मंगल का दिन है। हमारे साथ है शाहिद भाई, रियाज भाई और जेवर खान, और वहाँ पर इंशाल्लाह जैसे हम सुनहरे में जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी दोस्तों से मुलाकात होगा, जैसे कि असद भाई वगैरह। तो हम निकल रहे हैं सामने जो है ना ये नादरन बाईपास से होता हुआ जो है ना ये रोड सुनहरे की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुनहरा पहुँचते बाकी वीडियोस वगैरह जो भी इंशाल्लाह फिशिंग वगैरह होगा और हमारे पॉइंट वगैरह क्या होगा सब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे शाहिद भाई है। शाहिद भाई क्या हाल है, खैरियत से? माशाल्लाह पहुँचेंगे सही तरीके से, अल्लाह पाक सही सलामत ले जाए। तो आज की पॉइंट कौन सी है हमारी पॉइंट? हम इंशाल्लाह उधर जाकर रिपोर्ट लेंगे, फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, वहाँ जाकर रिपोर्ट लेंगे। वैसे रिपोर्ट का कुछ पता है, तालार का, गुड्डू का, हयात का? संग्रे वाली का है। कहाँ पे? संग्रे वाली का। चले शुक्रिया, इंशाल्लाह जा पहुंचते हैं सुनहरी और वहां जाके बाकी वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सुनहरे के करीब ही हम लोग एक शाहिद जनरल स्टोर है यहाँ पे। तो शाहिद भाई है, रियाज भाई है और उसके अलावा मैं खुद हूँ और जेवर खान आगे जो है ना असद भाई इंशाल्लाह सुनहरे में मिलेंगे। तो यहाँ पे पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए और इंशाल्लाह चलते हैं फिर सुनहरे की तरफ। तो दोस्तों पहुंच गए हम सुनहरी और अभी रियाज भाई से ज़रा पूछते हैं कि कितने टाइम लगा लियारी तेसर टाउन से। और रियाज भाई क्या टाइम हो रहा है? ये जनाब टाइम हो गया है 10:35। कितना टाइम लिया तेसर टाउन से सुनहरा तक? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। तो दोस्तों ये अभी एक दोस्त जा रहे शिकार करके, कोई सामान लेके, उनसे ज़रा पूछते हैं। ज़रा मामू कहाँ से पकड़ के ला? पॉइंट कौन सा था तुम्हारा? कौन सा पॉइंट? 44 पे 44। तो माशाल्लाह एक डेमरी आया और आपके पास एक ये कौन सा जेरा या कुंड है? जेरा। माशाल्लाह जबरदस्त। पिछले दफे भी सुनहरा में जो है ना हम अजमल हयात भाई का वीडियो बनाया था, तो चलिए अफजल हयात भाई खड़े हैं और बड़ा सा एक मछली लेके। अफजल भाई कौन सा मछली पकड़ा हुआ आपने? ये व्हाइट जेरा है। व्हाइट जेरा, क्या रेट है आज इसका? आज इसका रेट चल रहा है मार्केट में बेचने का 700 चल रहा है और खरीदने का 550। 550 खरीदने का चला। तो आज कौन कौन सा माल आपके पास आ रहा है? आज हमारे पास व्हाइट जेरा है, गिस्सा आया है और डामा आया है। व्हाइट जेरा आया है, गिस्सा आया और डामा आया आपके पास। तो आज का रिपोर्ट क्या होगा इंशाल्लाह? लोग हम जो जा रहे हैं शिकार करने के लिए इंशाल्लाह मछली आ रहा है, काला कुंड ज्यादा आ रहा है। काला कुंड ज्यादा आ रहा है।
तो तकरीबन कालाकोण से हर जगह से रिपोर्ट ज्यादा आ रही है। तो पिछले दफा मैंने सुना दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने सुआ वगैरह मारा है, ये सही रिपोर्ट था? बिल्कुल बिल्कुल सही रिपोर्ट था, सुआ लगा है, सुरमई लगी है। हमारे सुरजानी का जो हमारे आलम भाई है माशाल्लाह, उन्होंने एक सुआ पकड़ा जबरदस्त किस्म का और अच्छे रेटों में। सुआ का क्या रेट है यहाँ पे? सुआ का कस्टम रेट, सुआ का क्या रेट चला रहे हो यार सिराज भाई, क्या रेट सुआ का अंदाजन? साइज के हिसाब से कम 10-12 किलो का दाना कितने का होगा? 7-8 हज़ार रुपए किलो होना चाहिए। तो हमारे लिए दुआ कर अजमल भाई कि हमें भी कोई सुआ आ जाए इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करे, बस चलते हैं इंशाल्लाह आगे शिकार की तरफ, और आगे की इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट होंगे इंशाल्लाह देते रहेंगे। भाई सुनहरा में जो है मशहूर और मारूफ शख्स जो है हमारे नासिर भाई सामने खड़े और बहुत बड़ी से एक फिश लेके दिखा रहे। नासिर भाई क्या है ये? सफेद कुंदे। तो क्या रेटों में लिया ये भाई? ये लिए 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो में लिया। और क्या क्या इसके अंदर नासिर भाई? संग्रह है, गिस्सर है। माशाल्लाह जबरदस्त संग्रह है, गिस्सर है। और नासिर भाई पिछले दफा कोई रिपोर्ट आया कि सुआ वगैरह का यहाँ पे? वो छोटा दाना था भाई, छोटा दाना था। तो क्या किलो सुआ बिकता है? सुआ भाई छोटा है, जैसे 5,000 रुपए किलो, बड़ा है वो हजारों के साथ। जबरदस्त। ये हमारे नासिर भाई और जबरदस्त हमारे दिलों के जान है भाई, और ये हमारे डॉन भाई भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम चलते हैं अभी जो है ना शिकार की तरफ, वहाँ पे जाके फिशिंग वगैरह करते हैं। हमारे चाचा यहाँ पे केकड़ा बेच रहे डेमरी के लिए, और कुछ दोस्त भी यहाँ पर है, कुछ इनसे केकड़ा वगैरह ले रहे हैं। तो इनसे जरा पूछते भाई कहाँ से आप शिकार में? भाई हम एफबी एरिया से आए, अभी हयात जाएंगे। हयात जा रहे हैं? तो पिछले दफा कब आए थे आप? हफ्ते को आया था। तो रिपोर्ट क्या था उस वक्त? हफ्ते को माशाल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। तो आज की क्या रिपोर्ट है? आज की रिपोर्ट भी अच्छी है। आज की रिपोर्ट भी हयात पे जा रहे आप लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया, वो कह रहे हैं कि संग्रह का रिपोर्ट अच्छा है। संग्रह का रिपोर्ट भी है, कौन का भी है, और सफेद जहीरा का रिपोर्ट भी है। तो ये हमारे दोस्त ये जा रहे हैं हयात की तरफ, और हमारा तो इरादा है कि हम जाए संग्रह की तरफ ना। तो दोस्तों इन चाचे से जरा पूछते, ये केकड़ा क्या हिसाब दे रहे भाईजान? अच्छा केकड़ा क्या हिसाब दे रहे हैं? 500 रुपए की 12 दे रहे हैं, और ये ज्यादातर जो है ना डेमरी वगैरह शिकार के लिए। इनसे जरा पूछते भाई कहाँ से आया भाई आप लोग? हम लोग कहाँ से आए सर? मैं मलिर से आया। मलिर से आए शिकार में? पिछले दफा कब आए थे? पिछले दफा तकरीबन 10 दिन पहले। क्या रिपोर्ट था 10 दिन पहले? 10 दिन पहले VIP रिपोर्ट। और आज की क्या रिपोर्ट है? आज कुछ लाड़े ये सुनने में आया, माशाल्लाह अच्छा शिकार आ रहा है, जेरा वगैरह किसी को हुआ है, जेरे वेरे लगे हैं, मगर मछली की रिपोर्ट जो है ना वो बहुत कम। आप किस पॉइंट में जा रहे हो? हम लोग तो होके आगे हैं। होके आगे माशाल्लाह। तो कुछ लाड़ा में आप लोग? हमारे एक दोस्त है यासीन भाई मलेशिया में, तो उनको आज चरना की रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम। जेवर खान हमारा साथ है, और माशाल्लाह चारों तरफ से कश्तियाँ, और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि चरना में माशाल्लाह कितना रश है, बहुत ज़्यादा। सुबह सवेरे के टाइम में रश बहुत है, कश्तियाँ मिल नहीं रही है, और अगर कश्तियाँ मिल भी रहा है तो बहुत महंगी मिल रही है। तो इस वक्त थोड़ी देर में जो है ना इंशाल्लाह हम कश्तियों की तरफ जाते हैं, और कश्तियों का रेट वगैरह पूछते हैं लोगों से कि कश्ती इस वक्त क्या दे रहे हैं। भाई हमारे भाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे मलेशिया वाले भाई? सलाम वालेकुम यासीन भाई और हमारे दूसरे भाई है, बाकियों का नाम अभी मेरे फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहे, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हम चरना आए हैं, मैंने कहा कि भाई अपने यार दोस्तों को ये चरना पॉइंट दिखा देते हैं, उनको खुशी होगी। तो जेवर भाई आपका जो शिकार का जो पॉइंट है चरना से, जब आप कश्ती में बैठोगे तो कौन सा पॉइंट में आप जाओगे? ये हम लोग पहाड़ी की तरफ जाएंगे। पहाड़ी की तरफ जाओगे? पहाड़ी की तरफ जाएंगे, और फिर अलग अलग पॉइंट है जिनके अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है, सारे नाम है। अभी हम लोगों से रिपोर्ट लेंगे कि भाई जिधर की अच्छी रिपोर्ट है तो हम उधर जाएंगे। ये क्लिप्स खाली जो है ना हमारे यासीन भाई के लिए, जो यासीन भाई और कुछ यार दोस्त है मलेशिया में, और कोई यार दोस्त है मलेशिया में, मलेशिया में हमारे पाकिस्तानी जितने भी भाई है उनके लिए क्लिप्स है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलते हैं हम आगे चरना की तरफ, और चरना से होते हुए जो है अपने पॉइंटों में, हमारे सारे ग्रुप है, जेवर खान भाई, उसके बाद शाहिद भाई, रियाज भाई, और हमारा असद भाई, और उसके बाद मुबारक भाई, और ये हमारा कौन है नया साथी भाई? कदीर भाई। माशाल्लाह निकल रहे इस वक्त, अभी कश्ती हमारा आ रहा है, वो हमारा नौका सामने है। क्या नाम है हमारा नौका का भाई? नौका का रमजान नवाज भाई। नवाज भाई कश्ती लेके आ रहा है, और अभी इंशाल्लाह कश्ती में बैठते और चलते हैं इंशाल्लाह अपने पॉइंट की तरफ। We were
व्यूअर्स, हमारे जो असद भाई है वो बर्फ़ लोड कर रहे हैं कश्ती में, और सामान वगैरह सारे अपने अपने साथी ला के कश्तियों में अपने अपने जगह में रख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह कश्ती हमारा चल पड़ेगी और हमारा नौका जो है वो नवाज़ है। तो अभी तक अभी भी हम सुनहरे में हैं, सामान लोड कर रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह समंदर की तरफ रवाना होंगे तो बाकी वीडियो हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारा जो कश्ती है वो सुनहरे से, ये सुनहरा पहाड़ है सामने, यहाँ से हमारी कश्ती जो निकल रही है और हम अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। असद भाई ये चारों में नमक लगा रहे और चारा क्या है, अब मुबारक भाई जो है वो चारा को काट रहे और हमारे रियाज भाई, तो ज़रा पूछते हैं रियाज भाई क्या काट रहे हैं। ये भंगरा काट रहे, भंगरा भंगरा और लुअर बोटियां निकाल रहे उसके। अच्छा मुबारक भाई, यार जब भी शिकार करते हो आप हाकर बाजार में देते हो मछलियाँ काटने के लिए, आज आप हाकर बाजार वाले भी देखेंगे कि भाई मुबारक भाई भी पैसे लेते मछलियाँ बना लेंगे, दूध के काम छोड़ दिया और मछली काटने के भाई काम शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारा कदीर भाई है और माशाल्लाह अपने अपना टीम पूरे लेकर है। टीम में कौन कौन है, अबू बकर भाई तुम्हारा नाम बोलो, मोहम्मद रऊफ, और एक बच्चा यहाँ पे भाई आराम से लेट रहे, क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मद अबूजर। अबूजर के बाद भाई एक भाई है फुल शिकारी, क्या नाम है आपका, मोहम्मद हजर। अच्छा तो माशाल्लाह, और सामने हमारा शाहिद भाई है और हमारा क्या नाम है भाई, जेवर खान भाई, इनके दोस्त है बहुत सारे दोस्त इनके जो पाकिस्तानी भाई है मलेशिया में रह रहे वो भी देखे, और ये चरना की पहाड़ जब भी मैं आता हूँ इसका व्यूज लाजमी लेता हूँ, देखने में बड़ा जबरदस्त और वीडियो में भी बड़ा जबरदस्त आते हैं। और हैदराबाद से जो हमारे दोस्त आए कदीर भाई, ये सामने अपने पूरे बच्चों को लेकर आए, और ये हमारे असद भाई किस पॉइंट में जा रहे हैं, कोई पॉइंट का हुआ इंतखाब, शायद मैं हयात में जाएंगे, हयात में शिकार नहीं है कह रहे के, लोगों से पूछा मैंने, वो उधर का संग्रह का अच्छा रिपोर्ट है संग्रह का, जो भी मशवरा करके इंशाल्लाह। अच्छा ये हमारा असद भाई है और चारों में जो है वो नमक लगा रहे हैं, अब देख आपको दिखा दे के चारा बनाते कैसे। और हमारा कश्ती का जो मेन हीरो है सामने हमारा नावका है, नावका भाई क्या नाम है आपका, जमील भाई, जमील भाई माशाल्लाह, ये सारे साथी अब तैयार है इस वक्त जो है ना, ये सारे साथी मिलकर जो है ना चारा बना रहे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम चारा बना के अपने मंजिल को पहुंच रहे। और ये सुनहरा का जो पहाड़ है जहाँ से ये सुनहरा का जो देखे जहाँ पे इनकी फिशरीज है, और ये सुनहरा के जो पहाड़ है यहाँ से हम निकल रहे आगे अपने पॉइंट की तरफ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे शिकार मारेंगे आज। बनाता हूँ लेकिन ये सामने पीछे जो है पहाड़ है ना सुनहरा का, बड़ा खूबसूरत व्यूज है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि यार आज भी मैं अपना थोड़ा सा व्यूज बना लूँ। और मेरे बहुत सारे यूट्यूब के जो हमारे व्यूवर्स है वो कहते हैं कि सलीम भाई सबकी वीडियो बनाते हो अपनी नहीं बनाते हो, तो मैंने बोला चलो आज अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो इस वक्त जो है हम जा रहे हैं सुनहरे से चंद्रा पहाड़ की तरफ, वहाँ पे सगरा पॉइंट है, गुट्टू पॉइंट है, और उसके अलावा तलार पॉइंट है, उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे पॉइंट है, लेकिन आज हमारी जो इरादा है वो तकरीबन या तो हम जाएंगे हयात पे वरना हम जाएंगे इंशाल्लाह संग्रह पे। तो आगे अच्छी रिपोर्ट आएगी जो भी मछली वगैरह का इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। इस वक्त तो भाई कश्ती चालू हो रही, मेरे पीछे हमारे नावका भी है और शाहिद भाई भी है ना, तो इंशाल्लाह फिशिंग करना बहुत मज़ा आता है, लेकिन नया बंदे के लिए समझ लो गजब का काम है ये, नया बंदे को जिस तरह मैं हूँ खाली उल्टियाँ करता रहता हूँ, लेकिन जब मछली आता है ना भाई तो उल्टी वगैरह सब भूल जाता हूँ। तो जैसे इंशाल्लाह अच्छी शिकार आएगा मैया हो जो भी हो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं भाई, जो काम कभी जिंदगी में घर में नहीं किया ना आज समंदर में कर रहे हैं। मुबारक भाई मछली काट रहे, शाहिद भाई भी मछली काट रहे,
और हमारे असद भाई जो है ना मछली में, वो कहते हैं ना कि जलवे में नमक, तो आज जो है ना मछली में नमक लगा रहे हमारे असद भाई। माशाल्लाह दिन दिन में असद भाई को बहुत जबरदस्त एक चाया लगा, जबरदस्त मैया के अंदर ना, जैसे मैया इसके मुंह में लटका हुआ है, और मछली का कलर देखे माशाल्लाह जबरदस्त दाना है। ये असद भाई अभी इसको निकाल के डाल रहे छिल्ली के अंदर। तो हमारा कदीर भाई को एक दाना आया माशाल्लाह, अभी देखते क्या लाते पानी से। वो देखा वो दूसरा भी उठ गया, वो देखो क्या क्या तो हमारी औलाद है यार। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, मुल्ला 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 भाई उठाओ काटा दिखाओ बेटा, दिखा 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 दिखा, जबरदस्त जबरदस्त। कदीर भाई को दाना आया भाई मुल्ला, जबरदस्त कर, तकरीबन 3 पाव का दाना आ गया, जबरदस्त माशाल्लाह भाई। आंकड़ा ले आंकड़ा, शाहिद भाई को लग गया माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों को लगा, रियाज भाई को भी शाहिद भाई को भी। ऐसा नहीं कि डोर आपस में लपट गया भाई, डोर तो नहीं लपेटा, वो कदीर भाई को भी लग गया भाई। वीडियो किसका बनाऊं मैं भाई, हर किसी का लग गया भाई, जबरदस्त भाई। मछली पहला किसका आएगा, सबका लग गया, वाह वाह जबरदस्त भाई। इधर दिखाओ रियाज भाई, रियाज भाई रियाज भाई माल दिखाओ, रियाज भाई थोड़ा इधर दिखाओ इधर, जबरदस्त रियाज भाई को तकरीबन 3 किलो, ये 3 पाव वाला कौन सा जान, कौन सा ये भाई शाहिद भाई, कौन सा ये चाया, लाल चाया, जबरदस्त जबरदस्त शाहिद भाई एक दफा जबरदस्त। और इधर जो है ना माशाल्लाह शाहिद भाई को भी आने वाला, सबको लगा है माशाल्लाह माल, बच्चों को जबरदस्त, नीचे पे उठ, वाह 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 वाह, सबको आया ये जोड़ा, ओहो जोड़ा जोड़ा जोड़ा, सबको आया सबको। कदीर भाई को अबे कुत्ते के बच्चो बैठ जाओ, मर जाओ उधर कोई। माशाल्लाह कदीर भाई को दोबारा दाना, दाने पे दाना, और उसके बाद शाहिद भाई दिखाओ, शाहिद भाई माशाल्लाह चाहिए, ये कौन सा चाहिए है ना, ये लाल चाया, और उसके बाद बच्चों को, बच्चे दिखाओ थोड़ा हाथ उठा के, जबरदस्त 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 माशाल्लाह। ये हमारे भाई को लगा पीली टैक्सी, और जबरदस्त दाना माशाल्लाह, ताजा बासी मछली नहीं है जो हाकर बाजार वाली भाई, ताजी मछली लगी है रियाज भाई को। रियाज भाई कितने घंटे के बाद लगा भाई, आधे घंटे के बाद लगा, आधे घंटे के बाद लगा, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। ये हमारा असद भाई को मैया लगा है, बोतल मैया जबरदस्त, और जिंदा जो है ना अभी ये कांटे में लगा माशाल्लाह। हमारा नौका को जो है ना डेमरी लगी है, और हमारा शाहिद भाई जो है ना छलका लेके डेमरी को पकड़ने के लिए छलका लेके खड़े। बच्चों थोड़ा सा जगह दिखाओ, नहीं नहीं भैया वो लग गया ना नीचे से, अभी निकल गया, भाग गया क्या, चला गया। हमारे नावका को जो डेमरी लगी है, ए, बेटा बेटा हट जा यार, एक मिनट नावका जरा पीछे करो पीछे करो पीछे। माशाल्लाह हमारे नावका को जबरदस्त किस्म की डेमरी आई है, पानी मारेगा काला। माशाल्लाह हमारा जो ना कदीर भाई को दाने पे दाना, और उसके बाद एक मुल्ला लगा बड़ा जबरदस्त किस्म का। असद भाई का बेटा क्या नाम है, अबू बकर को डेमरी है भाई, जबरदस्त वाह 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 जबरदस्त किस्म का डेमरी, कम से कम भाई 4200 रुपए की दाना है ये भाई। मुबारक भाई को भाई मुल्ला लग गया जबरदस्त किस्म का माशाल्लाह जबरदस्त भाई। ये बहुत खतरनाक एक सांप आया कदीर भाई के कांटों में, और तकरीबन 3 से 4 किलो का सांप है ये। थोड़ा कदीर भाई सामने लाना सांप भाई। हमारा क्या नाम है रियाज भाई, रियाज भाई तुम्हारा पूरा मच्छी जो ना सांप खा गया ना, बहुत मुश्किल से मछली पकड़ा वो भी सांप खा गया। मुबारक भाई को जो है ना सांप लग रहा है, और दबा के सांप आ रहा है ना। मैं बहुत देर के बाद भाई एक डेमरी मारा है, कम से कम जो है ना तकरीबन 1.5-2 किलो का दाना होगा ना, जबरदस्त। मुबारक भाई निकालो निकालो जबरदस्त। अल्लाह रात के टाइम ही हमारा असद भाई को एक कपड़तान आया जबरदस्त माशाल्लाह, खकान खकान भाई। ये सारा हमारा असद भाई को जो है ना बहुत बड़ा सा एक सांप आया माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। ये पहला कुन आया हमारा असद भाई को, काला कुन माशाल्लाह, तकरीबन 2 किलो का दाना है।
अर्शद भाई ये तुम्हारी वीडियो ना सबसे पहला लगेगा। बस बना लिए बना लिए। ना भाई पार्सल लो, एक बदला निकाले पार्सल काटो। माशाल्लाह रात के 2:30 बज रहे और जेवर खान भाई को बड़ा अच्छा सा दाना लगा। क्या नाम है इसका? मुल्ला है चाहिए है? चाहिए है। बहुत अच्छा सा दाना है माशाल्लाह, किलो का दाना है वो, जबरदस्त। दिखाओ सांप, नजर आ रहा है? ये वही है, वो लगता है मेरे को सिंगी है। सिंगी क्या है भाई? जहर भाई डोर भी नहीं, ये मेरी डोर है। माशाल्लाह किसर है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, रियाज भाई को दाने पे दाना माशाल्लाह। एक बड़ा सा गिसर, तकरीबन 1.5 से 2 किलो का दाना है माशाल्लाह, जबरदस्त। बस नसीब में है, देखो जरा वो निकल गया, इसका निकल गया समझ लो। नहीं टैक्सी की तरह जबरदस्त माशाल्लाह। कौन सा मच्छी है भाई? ये चाहिए है ना? चाहिए मछली। जबरदस्त माशाल्लाह, मुबारक भाई को जो है ना मुल्ला आया सुबह सवेरे माशाल्लाह, जबरदस्त। तो व्यूअर्स अभी सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजने वाले और सूरज भी निकल चुका है समंदर में और सारे साथी अभी सुबह सवेरे के जो है वो जो भी मछली की फिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे मुबारक भाई माशाल्लाह अच्छा शिकार खेला है और हमारे बच्चे हैं अबू बकर और उसके बाद दूसरे बच्चे हैं कदीर भाई हैं और जेवर खान हैं। माशाल्लाह अच्छा शिकार किया पूरे रात और उसके बाद सबसे बेहतरीन जो शिकार किया हमारा असद भाई सामने बैठा है और यहाँ पर हमारे शाहिद भाई पूरा रात माशाल्लाह ये किंग कॉन्ग ड्रेस में माशाल्लाह सोते रहे और यहाँ पर हमारे रियाज भाई माशाल्लाह अच्छे अच्छे गिस्सर मारे। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह जाएंगे हम सुनहरे की तरफ और सारी मछलियाँ इंशाल्लाह हम काउंट करेंगे कश्तियों में रख के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हमारे साथ सुनहरा और सुनहरा जाते वक्त भी रास्ते में जो भी मामला हो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुबारक भाई को क्या लगा ये भाई? अर्शद भाई चाया 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 भाई, जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह भाई, बिल्कुल चरने का बाहर नजर आ रहा है और साथ रोफ लाला माशाल्लाह। क्या पकड़ा रोफ? ये पीली टैक्सी, पूरी रात सोने नहीं दिया इसने भाई हम लोग को तंग करके रखा भाई। भाई अबू जर को देखे माशाल्लाह, एक जो है ना कैप्टन, कौन सा मछली है वाला भाई ऊपर वाला? टैक्सी पीली टैक्सी, और पीली टैक्सी के साथ भाई बड़ा सा एक सांप अजदा आया हुआ है। सारे बच्चे खौफ से डर रहे हैं मगर अबू जर इसको पकड़ा हुआ भाई, अबू जर के पास आ गया पीला टैक्सी भाई। तो व्यूअर्स हम तमाम दोस्त अहबाब अभी फिशिंग करके हम जा रहे हैं घर, हमारी फिशिंग हुई एंड और ये जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल चरना पहाड़, बहुत खूबसूरत मंजर। और इस चरना पहाड़ के बाद आप सबको पता है सामने जो है सुनहरा है और वहाँ पर हमारी कश्ती लैंड करेगी इंशाल्लाह। और ये आज जो है जो आप देख रहे हैं हम सुबह सवेरे घर की तरफ जा रहे हैं। हम 29 तारीख को आए थे और हयात पॉइंट में गए थे शिकार करने के लिए, माशाल्लाह बेहतरीन हमारी शिकार आई है फिशिंग की। यहाँ पर हमारे शाहिद भाई और जेवर खान, वो सामने असद भाई, मुबारक विलेज और नहीं मुबारक भाई और हमारा नाव का जमील भाई और यहाँ बैठे नदीम भाई, कदीर भाई, हाँ कदीर भाई, कदीर भाई माशाल्लाह। ये सब सारा साथी जा रहे और ये अबू बकर बैठा, अबू बकर, हाँ अबू बकर उंगली हिलाओ। इसकी वीडियो नहीं बनाना था, बस तरस आ गई हमें इसकी वीडियो बनानी है। हमारा अबू जर नाराज़ होके बैठा हुआ है और इंशाल्लाह भी अब्दुल रऊफ नाराज़ होके बैठा हुआ है। अब्दुल रऊफ उंगली हिलाओ, हाथ हिलाओ ज़रा, इधर देखो, इधर ऐसे माशाल्लाह ज़बरदस्त, हाँ हंस पड़ा। और ये दो क्या क्या नाम है भाई तुम्हारे? बार बार नाम भूल जाता हूँ। अबू जर और मोहम्मद अयाज, मोहम्मद हाजत भाई, इन बच्चों ने कमाल कर दिया, तकरीबन हर किस्म की मछलियाँ इन्होंने पकड़ी है। और साथ साथ जैसे बड़ों ने शिकार किया फिशिंग किया, इस तरह बच्चों ने भी फिशिंग किया है। तो व्यूअर्स
हम चलते सुनहरी की तरफ। तो व्यूअर्स 29 तारीख से लेकर 30 तारीख की सुबह तक जितनी भी मछली की शिकार हुआ, फिशिंग हुआ, आपके सामने है। और अच्छे अच्छे फिशिंग की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम इसी के साथ अगले वीडियो तक आपसे अल्लाह हाफिज़ी चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।